ऋषभ पंत के कप्तानी की शुरुआत बेहद ख़राब हुई। पहले मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 5 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला गया, जहां मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए और उनका यह फैसला हित में गया और शानदार मुकाबले को जीत लिया। जी हाँ, वहीं भारत का T20 अंतर्राष्ट्रीय में लगातार 13 मैच जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना भी टूट गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत अपने सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका को अभी तक एक भी T20 श्रृंखला नहीं हराई है। जीत के मंशे से उतरी भारतीय टीम को पहले मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब भारतीय टीम को वापसी करनी होगी और दक्षिण अफ्रीका को पहली बार अपने सरजमीं पर भी हराकर इतिहास रचना है। और इसके लिए कप्तान ऋषभ पंत दूसरे T20 मुकाबले में साफ तौर पर जाहिर है कि करेंगे बड़े बदलाव, क्योंकि पहले मैच में खराब गेंदबाजी की वजह से हारी टीम इंडिया। तो क्या होंगे बड़े बदलाव टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करें, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय टीम अभी तक साउथ अफ्रीका को अपने सरजमीं पर एक भी T20 श्रृंखला नहीं हराई है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन टीम पहले T20 मुकाबले में खेली है और उनके खिलाड़ियों ने फॉर्म दिखाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय टीम के लिए ये सीरीज़ जीतना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। तो ऐसे में भारतीय टीम क्या बड़े बदलाव करेगी उसके बारे में जानते हैं। भारतीय टीम इस T20 सीरीज़ में एक नए ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरी। जी हां, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का ओपनिंग पेयर हमें दिखा टॉप ऑर्डर में। केएल राहुल इस सीरीज़ में कप्तानी करने वाले थे, चोट के कारण वो इस सीरीज़ से बाहर हुए और रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर और विराट कोहली को इस सीरीज़ में रेस्ट दिया गया है। ऐसे में लगा कि ओपनिंग जोड़ी अच्छी स्टार्ट दे पाएगी कि नहीं, पर दोनों ही खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया और वहीं ईशान किशन एक हाफ सेंचुरी भी लगा दिया पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय में और 76 रनों की काफ़ी दमदार पारी खेली। तो टॉप ऑर्डर भारतीय टीम का दूसरे मुकाबले में सेम रहेगा। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। वहीं 3 नंबर की बात करें तो श्रेयस अय्यर 3 नंबर पर खेलने आएंगे। हालांकि पहले मैच के बाद श्रेयस अय्यर काफ़ी चर्चे में थे, उन्होंने रेसी वैंडेड हुसैन का एक कैच छोड़ा था और उस कैच के बाद काफ़ी चर्चे में रहे और सबसे बड़ा कारण वही माना जा रहा था कि उस कैच को अगर श्रेयस अय्यर पकड़ लेते तो शायद भारतीय टीम मैच जीत भी सकती थी। खैर, दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो 4 नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत खेलते हुए दिखेंगे, 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या और 6 नंबर पर दिनेश कार्तिक, ये भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम होगा। 7 नंबर पर अक्षर पटेल खेलते हुए दिखेंगे, हालांकि पहले मैच में थोड़े महंगे साबित हो गए थे, 4 ओवर में 40 रन खर्च करके 1 विकेट निकाले थे, पर इनके अलावा भारतीय टीम के पास और कोई भी अच्छा ऑलराउंडर नहीं दिख रहा है। दीपक हुड्डा वेंकटेश अय्यर हैं, पर उनकी गेंदबाजी इतनी कुछ खास नहीं है। तो अक्षर पटेल हमें फिर से खेलते हुए दिखेंगे 7 नंबर पर, 8 नंबर पर हर्षल पटेल, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, पहले मैच में ये भी खर्चीले हो गए थे, 43 रन इनको पड़े थे 4 ओवर में और जो आखिरी ओवर था इनका वहाँ पर तो 22 रन लगे थे, वहीं पर मैच पूरा पलट गया, 18 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। पर भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं तो इनको जरूर बैक करेगी दूसरे मुकाबले में। और 10 नंबर की बात करें तो वहाँ पर ये युजवेंद्र चहल खेले थे पहले मुकाबले में, उनकी जगह पर रवि बिश्नोई को खिला सकती है भारतीय टीम, एक विकल्प दिख रहा है स्पिनर का। इसके अलावा 11 नंबर पर हमें आवेश खान की जगह पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखेंगे, एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट या उमरान मलिक को मौका मिलेगा। तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। गेंदबाजी में हमें 1 से 2 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दिनेश कार्तिक की जगह पर भी हमें दीपक हुड्डा या वेंकटेश अय्यर खेलते हुए दिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाड़ी। तो भारतीय टीम के लिए इतना मुश्किल तो नहीं रहेगा ये सीरीज़ जीतना, क्योंकि दूसरा मुकाबला अगर भारतीय टीम हारती है तो साउथ अफ्रीकन टीम 5 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की बढ़त ले सकती है। तो यहाँ पर भारतीय टीम को अच्छी प्लेइंग 11 चुनना भी और मैच को भी जीतना है। गेंदबाजी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।